गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री राम। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिन बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जा रही थी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं फिर आपको रेसिपी दे देती हूँ कढ़ाई पनीर की, आप लोग भी घर पे से बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर कैप्सिकम कट कर लिए हैं और अनियन भी हमने कट करके रख लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने टमाटो भी कट करके रख लिया है फ्रेंड्स। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आधे टमाटोज को हम ग्राइंड करेंगे और आधे टमाटोज को हम ऐसे ही फ्राई करेंगे इन वेजिटेबल्स के साथ। और यहाँ पर मैंने लिया है पनीर, 250 ग्राम पनीर लिया है फ्रेंड्स। तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और फटाफट से बनाते हैं कढ़ाई पनीर की सब्जी। फ्रेंड्स आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि कढ़ाई पनीर मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मम्मा यहाँ पर ग्राइंड कर रहे हैं मिर्च और अदरक और मिर्ची को मम्मी ग्राइंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ, हम किचन में आ चुके हैं और हमने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम। अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे हम इसमें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैंने ले लिया फ्रेंड्स से दालचीनी, ये जो लक्कड़ से आपको दिखाई दे रही है दालचीनी है, और हमने मंगवाया था वो कढ़ाई पनीर मसाला। तो फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर मसाला अभी नहीं था, तो जो हमें मिला हम वो मसाला यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो मम्मी उधर मिक्सी चला रहे थे इसलिए उसकी थोड़ी सी आवाज़ें, उसे इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो फ्रेंड्स हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। तेल डाल दिया हमने इसमें, और अब हम इसमें करेंगे फ्राई जो हमने वेजिटेबल्स कट किए थे, पनीर और शिमला मिर्च, और साथ ही साथ हमने जो प्याज कट किया था। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में प्याज, अनियन डालेंगे, और जो हमने कैप्सिकम कट करके रखा था वो डाल देंगे। कैप्सिकम डालिए, शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स इसमें जितनी भी हमने वेजिटेबल काटी है, प्याज शिमला मिर्च, वो हम इसमें डाल के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और इधर हमने एक और कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम डाल देंगे पनीर, जो हमने पनीर कट किया था वो पनीर डाल देंगे, और इससे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारा वेजिटेबल के साथ साथ पनीर भी वो हो जाए, पक जाए। इधर जब तक मम्मी ने तड़का क्या डाल रहे हो आप, लौंग। इसमें फ्रेंड्स तड़का जो हम इधर तैयार कर रहे हैं दालचीनी, उसमें हमने डाल दिया लौंग 2-3, और इसमें डालेंगे हम दालचीनी तो इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे दालचीनी और तेज पत्ता डाल दो, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता एक और डाल दो। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे टमाटो जो हमने कट करके रखा था, टमाटर हम इसमें डाल के अब इसे अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो टमाटो है वो इसे हम इसमें मिक्स कर लेते हैं।
सब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, तो कम ही डालिएगा। और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, आप देख सकते हो हमें तीखा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें जो हमने गरम मसाला लिया था, वो गरम मसाला हम उसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सब वेजिटेबल्स थी इसे हम भून चुके हैं, और इधर अब हम तैयार करते हैं ग्रेवी। देखिए हमने यहाँ पर इसमें डाला है तेजपत्ता और लौंग और दालचीनी और अब इस और जीरा डाल दी मम्मी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले डालेंगे फ्रेंड्स। तो हम पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दो हाँ, क्योंकि हरी मिर्च भी पीस के डाल लेंगे ना, और थोड़ी सी हल्दी डाल दो। और फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटो मैश करके रखा है, वो टमाटो डाल देंगे हम इसमें। टमाटो डाल के फिर हम इसे चला लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी डालेंगे उसके बाद में फ्रेंड्स हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे फ्रेंड्स। लहसुन डाल दे थोड़ी सी, बताना लहसुन बताई नहीं है ना। तो फ्रेंड्स इस टाइम शाम का टाइम है, तो इसलिए आपको सब्जी में आपको पीलापन दिख नहीं रहा, पर हमने हल्दी डाली है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। अब हम इसमें ग्रेवी में डालेंगे धनिया, धनिया डाल के इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और इसमें अब हम डाल देते हैं अमूल का फ्रेश क्रीम, तो आप देख सकते हो अमूल की फ्रेश क्रीम हम इसमें डालते हैं। आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हो, बट हम इसमें डालेंगे क्रीम थोड़ा सा बस हाँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें क्रीम डाल दिया, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमने ग्रेवी रेडी कर ली है। तो हमारी ग्रेवी फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है, और इधर जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई किए थे, हल्के हल्के भुने थे, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसे तो फ्रेंड्स अब हम इसे डालते हैं ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स देखिए मम्मी ने वो जो सब्जी थी वो हमने डाल दी उसमें ग्रेवी में, आप देख सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो कढ़ाई पनीर की सब्जी है वो देखिए कैसे अच्छी तरह से पक रही है। देखिए हमारी चटपटी पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, कढ़ाई पनीर की सब्जी। तो फ्रेंड्स इसे आप भी घर पे बना सकते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए मैंने और मम्मी ने मिलकर कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई फ्रेंड्स। सुबह का टाइम होता तो आपको अच्छे से क्लियर दिखता, बट अभी थोड़ी रात हो चुकी है तो इसलिए इतना आपको देखने में यमी नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं दिन में बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा,
वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम फ्रेंड्स।